गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। मेरी सुबह होती है इतने अच्छे व्यू के साथ। देखो ये लड़का अश्लील हो गया है, ये कैसे टांगे ऊपर करके सोया हुआ है। शमशेरा, ए शमशेरा, बहुत बिगड़ गया है भाई ये। इसको ये भी तमीज नहीं है कि सामने माँ बैठी है, अच्छे से इज्जत से बैठ जाऊँ, इज्जत ढक लूँ। अरे ढक ली, चलो ठीक है, शुक्र है। क्या है भाई, सुबह सुबह कैसे पड़े हुए हो आज? इतनी नींद क्यों आ रही है? रात में क्या करने गया था? कहीं गया था रात में मेहनत कर? एक भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि उसको बस बाहर ही देखना होता है, उसका और कोई काम नहीं है। उसको जो मज़े बाहर देखने में आते हैं और किसी चीज़ में नहीं। और एक भैया हमारे यहाँ पे मस्त सो रहे हैं, उनको सोने से फुर्सत नहीं, आलसी है ना, आलसी वो है ये महाशय, सोए रहते हैं बस। इन दोनों को मैंने खाना दिया था और एक मटन का पीस मैंने शमशेरा के खाने में दिया था। ये इतना चालाक है, उसके बर्तन से मटन का पीस चुरा के ले आया और यहाँ पे खा रहा है चुपके से। फिर शमशेरा आया था इसके पीछे इसको देखने, लेकिन वो मेरा सीधा साधा भोला भाला बच्चा, इससे छीना नहीं, उसने देख के वो चला गया अपना खाना खाने। और ये देखो इसको कैसे मटन खा रहा है ये लड़का। बहुत मज़े आ रहे हैं तुमको, है ना? खाओ खाओ, ये मटन चबाया करो, तुम घर की चीज़ों को मत चबाया करो। मैंने शमशेरा को अपने पास बैठने बुलाया था, ये इतना चिड़ोकला है, उधर खेल रहा था अभी तक। जैसे ही शमशेरा को इसने मेरे पास बैठते हुए देखा, आ गया, मेरे पेट पे बैठ गया। इतना बदमाश हो गया ये, बहुत बदमाश हो गया है, बहुत, है ना? इतना शैतान हो गया है कि पूछो नहीं। इसको जलन होती है कि देख, काट मत, हाँ काट मत सम्राट। इसको जलन होती है कि शमशेरा कैसे मम्मा के पास गया, सीधे आके बैठा है अपना भी। अभी तक मैं बैठ के अपना खाना खा रही थी तो दोनों ऐसे देख रहे थे, जैसे ही मेरा खाना ख़त्म हुआ है तो देखो कैसे फैल रहे हैं। अब कोई मतलब नहीं है मुझसे, सिर्फ तब तक मतलब था जब तक मेरा खाना दिख रहा था इन दोनों को। अपना खा चुके हैं, बाहर भी जाके आ चुके हैं, लेकिन मेरे खाने पर नज़र थी। और अब देखो कैसे वो उधर फैला पड़ा है, ये इधर। हेलो, सुनते भी नहीं, अब उठेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता मेरा खाना ख़त्म हो चुका है, अभी मम्मा किसी काम की नहीं है, है ना? से घर शिफ्ट किया है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं थोड़ा सा आराम से बैठ के न्यूज़ देख लेती हूँ, देश दुनिया के बारे में खबर जान लेती हूँ थोड़ा सा। तब तक देखा कि जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं इधर से, इस रूम में आई तो देखा यहाँ महासंग्राम चल रहा है दोनों के बीच में, इतनी खतरनाक लड़ाई चल रही है। ऐसा मैंने किसी न्यूज़ डिबेट में भी नहीं देखा कि ऐसी डिबेट चल रही हो, लेकिन इन दोनों का देखो झगड़ा, ये शाबाश। और लड़ने के लिए इन्हें स्पेशली मेरा बेड चाहिए होता है, मतलब नीचे ये इनका बेड पड़ा हुआ है, उधर पूरा घर खाली है, लेकिन यहाँ आके मेरे बिस्तर पे लड़ना है इनको, बताओ। ए सम्राट, और शमशेरा अगर बेड से नीचे उतर भी रहा है तो वो सम्राट ऊपर वापस बेड में, कि चल बेड में लड़ेंगे, और लड़ाई कर रहे हैं एक बॉल के लिए। ये एक टॉय इधर पड़ा है और बहुत सारी बॉल और पड़ी होंगी, लेकिन लड़ना एक ही चीज़ के लिए है। सम्राट को बाहर भी लेके आओ तो इसको बाहर भी लड़ना होता है, उस बेचारे को सुसु आ रही है, सुसु भी नहीं करने दे रहा, लड़ने में लगा हुआ है, गड़ने पाओगे। ये देखो रात के 11 बजे पार्क में खेलने आए हैं ये लोग, कोई रात में खेलता है? और यहाँ भी उसको पत्थर मिल गया है, भूला नहीं है यहाँ आके भी वो पत्थर से खेलना है ना, यहाँ आके भी उसे पत्थरों से ही खेलना है, ईंट पत्थर। वो गया, ये गया, ये गया, ये भागे, ये मरे आज। तेरा तेरा ईंट पत्थर यहाँ भी चालू है, यहाँ भी नहीं छोड़ेगा तो ईंट पत्थर। और तुम भैया, तुम्हें किससे खेलना है? तुम्हें यहाँ भी मिट्टी खाने से फुर्सत नहीं है, बस यही करते रहो तुम लोग, पगला चुके हो पगला। कितना मज़ा आ रहा है उसको घूमने में बाहर, देखो। हाँ, आपको घर लेके आ चुकी हूँ उसको। अच्छा, आ गया, ये वही पार्क से लौट के ही नहीं आ रहा था, मुझे लगा आज तो गया ये, आ गया आ गया। खाने के लिए इतना पागल है, अभी बज रहे 11:30 रात की, तो इनको मैं पार्क से लेके आई हूँ, मैंने सोचा इसको कुछ दे देती हूँ ट्रीट। इसने मुझे पैकेट से निकालते हुए देख लिया था, अब ये मेरे पीछे पड़ गया है, पहले यहाँ है यहाँ, और ये देखो कैसे पागलों जैसी हरकतें कर रहा है खाने के लिए सिर्फ। क्या मेरे पास नहीं है? समझ रहे, नहीं है मेरे पास, मैंने रख दी है जेब में, और इन दोनों को पता चल गया है, अभी मेरे पीछे पड़ गए। और ये दीवार पे चढ़ रहा है, क्योंकि कल मैंने इसको दीवार पे चढ़ा के दिया था ना, तो आज वापस से दीवार पे चढ़ रहा है, क्या पता वहीं मिल जाए। रात को बाहर भी लेके आओ तो इसको बाहर भी लड़ना होता है, उस बेचारे को सुसु आ रही है, सुसु भी नहीं करने दे रहा, लड़ने में लगा हुआ है।